भारत की खोज एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया थी जो समाज के साथ कई परतों में विकसित हुई। प्राचीन काल में भारत का इतिहास विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और साम्राज्यों के उत्थान और पतन से भरा रहा। वेदों और उपनिषदों का योगदान इस खोज का आधार बना, जहां ज्ञान और आध्यात्मिकता का समावेश था। इसके बाद मौर्य साम्राज्य के अशोक और गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त जैसे शासकों के दौरान भारत ने राजनीतिक और सांस्कृतिक उन्नति का अनुभव किया। यह काल भारतीय सभ्यता के लिए स्वर्णिम युग साबित हुआ, जब विज्ञान, कला और साहित्य ने अपने चरम पर पहुंचकर भारत को एक महानतम सभ्यता के रूप में प्रतिष्ठित किया। इन साम्राज्यों ने न केवल आंतरिक विकास को बढ़ावा दिया, बल्कि विदेशी यात्रियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बने, जिन्होंने भारत की समृद्ध संस्कृति और विविधता का विश्व में परिचय कराया। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। भारत की खोज में अनेक विदेशी यात्रियों का योगदान रहा, जैसे कि हेरोडोट्स, जिन्होंने भारत के बारे में पहले पहल लिखा। इसके बाद मेगस्थनीज और फाहियान जैसे यात्रियों ने भारत की सांस्कृतिक विविधता और समृद्धि का वर्णन किया। मध्यकाल में अरब और तुर्क आक्रमणकारियों ने भी भारत की खोज की, जो यहाँ की धन और संसाधनों के प्रति आकर्षित हुए। इस दौरान भारत के विभिन्न हिस्सों में इस्लामी संस्कृति का प्रसार हुआ, जिसने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला। 15वीं सदी में यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने भारत की खोज में गहरी रुचि दिखाई, जिसने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। वास्को डी गामा के भारत आगमन ने यूरोप और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों को नया आयाम दिया, जिससे भारतीय मसालों, रेशम और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की मांग में अत्यधिक वृद्धि हुई। इसके बाद डच, फ्रेंच और ब्रिटिश व्यापारियों ने भी भारत की समृद्धि का लाभ उठाने के लिए अपने कदम बढ़ाए। यह व्यापारी न केवल व्यापारिक गतिविधियों में शामिल हुए, बल्कि उन्होंने भारत के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे में भी हस्तक्षेप करना शुरू किया। इस प्रकार भारत एक ऐसा केंद्र बन गया जहां विभिन्न संस्कृतियों का मेलजोल हुआ, जिससे न केवल आर्थिक गतिविधियां बढ़ी बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी विकास हुआ। इस समय ने भारत को वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका में स्थापित किया, जहां विभिन्न जातियां और संस्कृतियां एक साथ आकर एक समृद्ध और विविध समाज का निर्माण कर रही थीं। ब्रिटिश राज के दौरान भारत की खोज ने एक नया मोड़ लिया। ब्रिटिश उपनिवेश ने भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति में गहरा हस्तक्षेप किया। इस दौरान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने भारत की पहचान और संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाई। महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किए, जिससे भारतीयों में एक नई राष्ट्रीयता का संचार हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी पहचान को पुनर्निर्मित किया। भारतीय संस्कृति, भाषा, धर्म और परंपराएं एक बार फिर से जीवित हुई। भारतीय संविधान के निर्माण ने एक लोकतांत्रिक समाज की नींव रखी, जहां सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। आज का भारत एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है, जो विज्ञान, तकनीक, कला और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। भारत की खोज में न केवल भौगोलिक सीमाओं का विस्तार हुआ, बल्कि यह एक गहन सांस्कृतिक संवाद का भी हिस्सा बनी। विभिन्न संस्कृतियां, भाषाएं, धर्म और परंपराएं आपस में मिलकर एक अनूठी पहचान का निर्माण करती हैं, जो भारत को विश्व में अद्वितीय बनाती हैं। भारतीय संस्कृति की विविधता न केवल एक ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आज भी जीवंत है, जहां हर राज्य और समुदाय की अपनी विशेषताएं हैं। आज हम इस विविधता का सम्मान करते हुए अपनी जड़ों की ओर लौटते हैं, ताकि भविष्य की ओर बढ़ने में हम अपने सांस्कृतिक धरोहर का लाभ उठा सकें। यह यात्रा हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारी पहचान हमारे इतिहास और परंपराओं में गहराई से निहित है। भारत की खोज का महत्व आज भी बहुत है, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि हमारी पहचान, हमारे इतिहास, संस्कृति और परंपराएं कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। आधुनिक युवा, जो ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव में जीवन यापन कर रहे हैं, के लिए अपने इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर का ज्ञान होना आवश्यक है। यह ज्ञान न केवल उन्हें अपनी पहचान को संरक्षित करने में मदद करता है, बल्कि उन्हें अपने समाज के विकास में सक्रिय भागीदारी करने के लिए भी प्रेरित करता है। जब युवा अपनी जड़ों को समझते हैं, तो वे सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौतियों का सामना करने में अधिक सक्षम होते हैं। तो दोस्तों, यह है हमारा भारत, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक धरोहरें, भाषाएं और परंपराएं विकसित हैं।
जहां हर व्यक्ति की आवाज की अहमियत है। भारत का इतिहास, संस्कृति और परंपरा एक अमूल्य धरोहर है जो दुनिया में चमचमा रही है। तो दोस्तों, यह है हमारा भारत, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक धरोहरें, भाषाएं और परंपराएं विकसित हैं, जहां हर व्यक्ति की आवाज की अहमियत है। भारत का इतिहास, संस्कृति और परंपरा एक अमूल्य धरोहर है जो दुनिया में चमचमा रही है। हमारा भारत ही इकलौता ऐसा देश है जिसकी संस्कृति की मिसाल विश्व में विख्यात है, और दुनिया हमारी सहनशीलता और धैर्य को आज सलाम ठोकती है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।